यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो लड़कियां होती है 98% 99% लेके क्या करती है? क्योंकि स्टीव जॉब्स, सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी, ये तो सब कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं, तो ये लड़कियों ने 98% लेके क्या उखाड़ लिया? ये लड़की होने का एक फ़ायदा है, पैदा होने से लेके 17-18 साल के होने तक पहले बाप खर्चा करता है, फिर शादी होने तक बॉयफ्रेंड खर्चा करता है, और फिर शादी होने के बाद तो पति खर्च करने के लिए होता है। ऐसे ही करते करते एक दिन पति खर्च हो जाएगा, ये लड़कियाँ खर्चा करना नहीं छोड़ी। सच कहूँ लड़कियों की ही लाइफ एकदम बेस्ट। काश मैं अंबानी के घर पैदा हुआ होता। सच में यार क्या ऐश होती मेरी, जिस भी गाड़ी पे हाथ रखता ना वो गाड़ी मेरी हो जाती, और जहाँ पे ही जाना होता ना प्लेन से दाता प्लेन से। बेटे अपने औकात मत भूल और चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे। क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे एक बात सोचने जैसी है, लोग कहते हैं कि तुझ पर मंगल भारी है, लेकिन अगर मैं खुद मंगल ग्रह पे खड़े हो जाऊँ तो मंगल मुझ पर भारी है या मैं मंगल पर भारी हूँ? अबे हटा यार, एक काम करता हूँ, बम्बई चला जाता हूँ। वहाँ पे अगर किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने मुझे देख लिया और अपनी मूवी में मुझे ले लिया तो, लेकिन उसके लिए भी टैलेंट और शक्ल होनी चाहिए, ये तेरे पास नहीं है, तो पढ़ाई पर ही ध्यान दे। वैसे मैं चाय बेचना शुरू कर दूँ क्या? राजू कह रहा था कि इसमें पैसे तो बहुत हैं, और क्या पता अगला प्रधानमंत्री मैं ही बन जाऊँ तो। वैसे सब कहते हैं बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े सपने देखना चाहिए, लेकिन सपने देखने के लिए तो सोना ज़रूरी है। अगर मैं सोऊंगा ही नहीं तो बड़े सपने कैसे देखूंगा और बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? तो एक काम करता हूँ, सो ही जाता हूँ।